अमोकी यातायात पुलिस के द्वारा नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, यानी कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के हाइडलबर्ग माइसेन सीमेंट की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन है दमोह के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित है महाराणा प्रताप चौक के समीप किया गया, जहाँ पर यातायात थाना प्रभारी दीपक खत्रे की विशेष रूप से मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराया गया। साथ ही किसी भी तरह की चालानी कार्रवाई के दौरान क्या कुछ नियम होते हैं, किस तरह के नियमों का लोगों को पालन करना चाहिए और उन नियमों के माध्यम से लोग किस तरह से जागरूक होकर के अपने जीवन को सुरक्षित बचा सकते हैं, अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, इस मामले की जानकारी विस्तार से दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में जिला दमोह में यातायात जागरूकता का एक कार्यक्रम 7 दिवसीय चल रहा है। माइसेम के तरफ से भी जो कार्यक्रम चल रहा है, तो ये सब लोग आपको अवेयर कर रहे हैं। हम लोग सब आपके चाहते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहे, यातायात के नियमों का आप पालन करें, आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे। किसी भी तरह से हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपको केवल दंडित करना नहीं है, लेकिन आपको सुरक्षित रखना हमारा मकसद है। अब उसके लिए हमें थोड़ा सा कठोर रहना पड़ता है, चालानी कार्रवाई भी करना पड़ती है। वो चालान का मकसद ये नहीं है कि हमें आपसे पैसे लेने में कोई बड़ा भारी इंटरेस्ट आ रहा है कि हमें 250 रुपए की रसीद काट देंगे तो हमें शासन को बहुत बड़ा आर्थिक फायदा मिल जाएगा। वो केवल इसलिए कि आपकी जेब से यदि 250 रुपए का जाएगा तो आप अगली बार के लिए एक जो याद रखोगे कि नहीं यार मेरी रसीद कट गई तो मैं हेलमेट खरीद लूंगी। जो चेकिंग कर रही है इससे बचना है। अरे आप वाहन चेकिंग से बच सकते हो, लेकिन घटना दुर्घटना से तो आपको बचना है। उसके लिए तो आपको पूरी तरह से सुरक्षित रहना पड़ेगा ना, और सुरक्षा आपको देगी हेलमेट, क्योंकि घटना दुर्घटना है आपको बता के नहीं आएगी, आपको निमंत्रण दे के नहीं आएगी। हो सकता है आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हो, नियमों का पालन कर रहे हो, सामने वाला उस पर नियमों का पालन नहीं कर रहा हो। कई बार घटना दुर्घटना आपकी गलती से नहीं हो सकती, दूसरे की गलती से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी गलती से घटना होगी, लेकिन नुकसान तो दोनों का हो सकता है ना। उसमें कोई तेज गाड़ी चला रहा है, आजकल की नई नई गाड़ियां आ गई है, इतना स्पीड आती है उसमें कि हमें देख के डर लगता है, उनकी आवाज सुन के डर लगता है, तेज निकल जाती है कि उनको देखना मुश्किल हो जाता है कि यार कितना तेज निकल गया है बच्चा। तो आपके घर परिवार में यदि कोई बच्चा है, लड़के है, युवा है, भाई है, आपके पड़ोसी है, अगर वो कोई नई बाइक तेज चला रहे हैं तो उनको थोड़ा सा डांटें, थोड़ा सा समझाएं, उनको बताएं कि बेटा गाड़ी अपनी सुविधा के लिए है, 5 मिनट पहले निकल जाओ घर से, क्या जरूरी है कि 5 मिनट लेट निकलो और जल्दी पहुंचने के चक्कर में तेज चलाओ। जहां जाना वहां 10-5 मिनट पहले निकल जाओ, तो 10-5 मिनट का जो अंतराल जो दूरी तय करना चाहता आदमी गाड़ी से, तो आदमी संतुलित चलेगा, आदमी जल्दी पहुंचने के चक्कर में गाड़ी तेज चलाता है।